कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस पूरे मामले में ईडी से पहले ही केजरीवाल को जमानत मिल चुकी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। हालांकि ये जमानत सशर्त होगी। जो शर्तें ईडी के वक्त कोर्ट ने लगाई थी, वही शर्तें इस बार भी लगाई गई है। और साफ तौर पर आपको बता दूं कि 21 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त आम आदमी पार्टी लगातार इस चीज की दलील दे रही थी कि ये पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करके किया गया। और अब आप देखिए, हमने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी, और आज यानी कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम राहत देते हुए इस पर जमानत दी है। हमारे साथ देखिए कई सारे समर्थक यहाँ पर मौजूद है, पीछे आपको ढोल नगाड़े की ताल भी सुनाई पड़ रही होगी। क्या कहना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है? मैं कहना चाहूंगा आज देश का और क्या नाम है दिल्ली का इतिहास का दिन है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी आज जेल से बाहर आने वाले, जो विकास कार्य रुके हुए थे वो विकास कार्य दिल्ली में सुचारू रूप से चालू होंगे। जो स्कीम महिलाओं को 1000 रुपया दी जा रही थी, वो स्कीम रुकी हुई थी, वो स्कीम अब पूरी होगी और जो भी विकास कार्य है वो पूरा होंगे। और हम कार्यकर्ता बड़ा खुश है क्योंकि जो हमारे सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल जी आज जेल से बाहर आने वाले हैं। और आप देखिए, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे के कविता हो, विजय नायर हो, चाहे कोई भी हो, और यहाँ पर यहाँ देखिए कुछ ऑटो ड्राइवर भी मौजूद है। आप एक बात बताइए, ऑटो ड्राइवर हमेशा से अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहे, दिल्ली सरकार के साथ खड़े रहे, आज आप बड़ा खुश दिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आज मुझे बेहद खुशी हो रही है, आज मैं अपना काम छोड़ करके आज दिल्ली के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को खुशी में शामिल होने के लिए आया हूँ। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। बीजेपी इतना दिन से दिल्ली के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के, बिना कोई झूठे केस में फंसा कर रखी थी। आज ऑटो वालों के प्रति, जब से आम आदमी की पार्टी की सरकार बनी है, जितना काम ऑटो वालों के प्रति दिल्ली सरकार केजरीवाल की सरकार की है, आज तक किसी सरकार ने कही। ये बताइए कि अब क्या होगा आपको, क्योंकि अगले साल यहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, और चुनाव के दौरान आपको क्या तस्वीर नजर आ रही है? जिस तरह से केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई ने परेशान किया है, जब दिल्ली का विधानसभा 2025 में होगा, 70 की 70 सीटें दिल्ली में केजरीवाल जी को मिलने जा रही है। प्रचंड बहुमत, ऐसा प्रचंड बहुमत पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य को नहीं मिला है, वह केजरीवाल को मिलने जा रहा है 70 की 70। मैं आपका कहां से आए? मेरा नाम उमेश कुमार यादव है, मैं बुराड़ी विधानसभा से आया हूं और मैं एक ऑटो चालक हूं। मैं अपना ऑटो खड़ा करके आज केजरीवाल जी के खुशी में शामिल होने के लिए आया हूं। साफ तौर पर देख सकते हैं, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो एक ऑटो टैक्सी ड्राइवर हो, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद ऐसे सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं। और कोशिश यही है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक एक करके तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को जमानत मिली है, वो आम आदमी पार्टी उसको आगामी इलेक्शन में भुना सके और दिल्ली विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटें जीत सके। दिल्ली से कैमरा पर्सन मधुर कैंथोला के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।